नमस्कार। अभी हम जानेंगे कि फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप जाइए, गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका आइकन, इस पे क्लिक करें। जैसे ही गूगल क्रोम ओपन होता है, ऊपर ये एड्रेस बार है, इसमें टाइप कीजिए facebook.com। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, हमें लॉगिन नहीं करना। इसके बिल्कुल नीचे है क्रिएट अ पेज, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके पास ये पेज आ जाता है। इसमें आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे राइट बॉटम कॉर्नर पे एक ऑप्शन आता है साइन अप फॉर फेसबुक, इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाओगे इस पर्टिकुलर पेज पर, क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसे आप भरिए और साइन अप पर क्लिक करें। ये करते ही आपका फेसबुक का प्रोफाइल बन जाएगा। याद रखिए, जब भी हम फेसबुक के ऊपर ऐड डालते हैं तो हमें फेसबुक पेज की जरूरत पड़ती है ऐड बनाने के लिए, फेसबुक प्रोफाइल की नहीं। पर फेसबुक पेज के लिए पहले फेसबुक प्रोफाइल बनाना पड़ता है, जो बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अभी हमने ये प्रोफाइल बनाया। अभी इसके आगे देखते हैं। देखिए, अभी आपने प्रोफाइल बना दिया। अब प्रोफाइल में लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, आप यहाँ पे देखोगे पेजेस, यहाँ पे क्लिक करें। पेजेस में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू पेज, इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्रिएट पेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको भरनी है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है भरिए और क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप ये करते हो, आप इस पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आप एक कवर पिक्चर डाल सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट में इंफॉर्मेशन। तो सारे पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन डालने के बाद सेव पर क्लिक करें, ताकि सारी इंफॉर्मेशन और पिक्चर सेव हो जाए। अब ये पेज आ जाएगा आपको उसके बाद में, जिसके अंदर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इस पेज से लिंक करना है। तो फेसबुक पेज से व्हाट्सएप नंबर लिंक करने के लिए वो नंबर यहाँ एंटर करना होता है। लेकिन ध्यान रखें, अब वक्रांगी रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर ही एंटर करें। उसके बाद एक कोड आएगा, उसे एंटर करने के बाद ये नंबर पेज से लिंक हो जाएगा। लिंक हो जाने के बाद आप जैसे ही होम पेज पे जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंप्लीट योर पेज इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्लिक करें और जितनी इंफॉर्मेशन जो अभी बची है भरनी जरूरी है, मैंडेटरी, वो भर दीजिए। उसके बाद में आता है यूआरएल। यूआरएल यानी कि वेबसाइट का लिंक। देखिए, यहाँ आप अपने बिजनेस का भी लिंक डाल सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमें जो भी यूजर्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी नए विजिटर आ रहे हैं, वो हमारे पेज पर पहुंचे और उससे ज्यादा कन्वर्जन मिले। इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे apply.vakrangikendra.in, ताकि जो भी पोटेंशियल फ्रेंचाइजी आ रही है, वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे अप्लाई पेज पर, तो वो अपना एप्लीकेशन भरेंगे और पेमेंट भी कर पाएंगे और आपकी लीड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए, आगे आपको बढ़कर कुछ और इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि कौन कौन सी सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, आपके ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट और सिटी, आपका नंबर फिर से डालना होगा, व्हाट्सएप का नंबर। याद रखिए, वही नंबर डालिए जो हमने पहले इस्तेमाल किया, और फिर वक्रांगी का ईमेल डालना, और फिर से apply.vakrangikendra.in वेबसाइट के लिंक में डालना है। इसके आगे आता है एक्शन बटन। देखिए, जो मैनेज पेज है, जिसके अंदर मैनेज पेजेस एंड प्रोफाइल, इसमें एक फीचर होता है एड एक्शन बटन। तो यहाँ पे जाके आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं एक्शन के, कौन सा एक्शन आपको चाहिए। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कॉल नाउ। कॉल नाउ पे क्लिक करना है आपको, और आपका रजिस्टर्ड ऑपरेशनल नंबर यहाँ पर डालना है, और फिर सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, तो एक फीचर ऐड हो जाएगा, जिससे कस्टमर्स या पोटेंशियल फ्रेंचाइजी आपको कॉल कर पाएंगे। तो देखिए, अभी आपने सारी चीजें कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना फेसबुक पेज बना लिया है। अभी आप पोस्ट कर सकते हो।
यहाँ पे देखिए पोस्ट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इस पेज के ऊपर एक ऑप्शन आता है क्रिएट पोस्ट, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप फिर गेट मैसेजेस रील फोटो वीडियो, तो आप फोटो वीडियो पे क्लिक करें और फिर फोटो सिलेक्ट करके लोड कर दीजिए। आप हर रोज पोस्ट डालिए, हर रोज पोस्ट कीजिए ताकि आपका पेज एक्टिव रहे। जितना पेज एक्टिव होगा फेसबुक का वो उतना ज्यादा प्रमोट होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, आप ऐसे इनॉग्रेशन डाल सकते हो अपने ऑफिस का, ऑफर्स डाल सकते हो, कोई स्कीम्स डाल सकते हो। आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं, पर आपको वैसे पूरा का पूरा आर्टवर्क हमारे कम्युनिकेशन टीम्स, केडीबी टीम, मार्केटिंग टीम से मिलता रहता है। उसी को इस्तेमाल करें और हर रोज एक नया पोस्ट बनाइए। बस इतना ही, धन्यवाद।